तो फाइनली शादी हो चुकी है, ये हमारे वाइफ है और अभी 7-13 हो रहा है। ये लोग कैमरा ले लेके जाओगे, इतना गुस्सा आ रहा है ना, कोई भी शूट बढ़िया शूट नहीं हो पा रहा है। अरे नहीं शूट बढ़िया हुआ तो इसने ऑलमोस्ट 100 वीडियोस डाल दिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिला के। अगर भाई का इंस्टाग्राम आईडी खोल दिया जाए ना तो इंस्टाग्राम के अकाउंट कम शादी का एल्बम ज्यादा लगेगा। भाई ने हर चीज पे ही रील बना रखा है। अब जिसको नहीं पता उनको मैं बता दूं, भाई हमारे राजा व्लॉग्स नाम से जाने जाते हैं और ये सिर्फ कॉमेडी के नाम पे यही करते हैं। भाई ऐसे वीडियोस बनाते हैं और कैप्शन में लिखते हैं हंसते रहो। भाई मेरे को तो हंसी नहीं है और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हैं किसी को भी हंसी नहीं आई होगी। भाई मेरे को तो दुख मम्मी और पापा का है। मम्मी पापा सोचते होंगे बड़ा होकर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या फिर कोई बड़ा बढ़िया इंसान बनेगा, और बेटा बड़े होने के बाद देखो क्या कर रहा है। और ये एक आधी ऐसी रील नहीं है, भाई का पूरा इंस्टाग्राम ही फीड ऐसी हरकतों से भरा हुआ है। भाई ये रील देखने के बाद आपको लगता है ऐसी लोगों की शादी होगी? नहीं नहीं मेरा बस ये क्वेश्चन है, इसके माता पिता ने क्या कहा होगा कि नहीं मेरा बेटा हमारा ऐसा है, ये करता है, इसने ये डेजिग्नेशन कर रखी है, इससे शादी कर लो। और माननीय अंबानी जी और पहुंचा लीजिए देश के कोने कोने में नेट। भाई जब से ये फ्री नेट सर्विस चालू हुआ था ना तब से कहना देश के कोने कोने से ऐसे लोगों के हिडन टैलेंट बाहर आए हैं जो कि हिडन ही रहने चाहिए थे। और इन भाई साहब के इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन फॉलोअर्स है और भाई ने रिसेंटली अभी शादी की है। और ऐसे मेरे को तो नहीं लगता कि कोई बंदा होगा कि भाई उसके इंस्टा फीड पे नहीं आए। भाई की शादी की रील भाई 50 मिलियन तक व्यूज गई है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ऐसा इसने क्या कर दिया। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। भाई इस वीडियो में ना 50 मिलियन व्यूज है। नहीं मेरे को जानना है ऐसा इसने क्या कर दिया, क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर दिया भाई ने, कंटेंट लगा दिया, मेहनत कर दिया कि 50 मिलियन व्यूज आ गए। नहीं मेरे को जानना है भाई। देखो अब आपने ये वीडियो डाली थी ना तो लिंक भी दे दो। आज मम्मी के लिए पापा के लिए बहू लेकर क्या गया, सब लोग हमको करीबा करीबा बोलता है, कलुआ बोलता है। ये देखो कितना खूबसूरत बहू को लेकर आए, बोल है कि नहीं बताओ। कहता था कि मेरा शादी नहीं होगा, शादी हुआ कि नहीं हुआ मम्मी? मेरे कलुआ बेटा देखो कितना सुंदर मेरे बहू के लिए है अभी। सब कमेंट करो, सब कमेंट कर रहे थे इस कलुआ को कोई लड़की नहीं मिलेगा, मिल गया ना देख लीजिए। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। ना भाई ना, यहाँ पे देख तू गलत है, यहाँ देख यहाँ गलत है। बहू का तो पता नहीं, बहू के नाम पे जो तू कंटेंट लाया है ना वो पूरे देश भर देख रहे हैं। बहू आए 2 से 3 दिन नहीं हुए, भाई ने कम से कम 20 से 30 वीडियोस बना दी बहू के साथ। कहना वो भी कम ही कह रहा हूँ, अगर शादी की वीडियोस मिला दी जाए तो ऑलमोस्ट 100 हो जाएगी, ये तो 100 पार ही हो जाएगी आराम से। तूने वो गेट का तोड़ो कौन? स्कूल वालों जो पीछे वालों हमने गुरुजी नहीं तोड़ो देवन तोड़ो। तूने तोड़ो शिकायत बच्चा। ओए दामिनी, दामिनी इधर देख, इधर देख। तूने तू तोड़ के भाग गया था ना उस दिन? ना गुरुजी हमने नहीं तोड़ो। कब शिकायत कर रहे तुम्हारी, तुमने तोड़ा है? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, ये लोग ढूंढी बोल। तुमने जब तक तुम अभी गेट तोड़ने लगे स्कूल के? देखो एक बात तो है, तुम जैसे हो ना वैसे ही तुम्हें वाइफ भी मिलती है। भाई जैसा था ना सेम डिट्टो वाइफ वैसी मिली है, कसम से 36 के 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। भाई देखो आजकल का व्लॉगिंग स्टाइल ना कुछ अलग ही हो गया, पहले फ्लाइंग बीस्ट बनाते थे कितना प्यारा था, अब सौरभ जोशी आ गए हमारे 3 भाई ये, और ये राजा व्लॉग से यहाँ पे देखा जाए मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रह रही है, कुछ भी कर रहे हैं, हग रहे हैं, नमस्ते कुछ, मतलब आपने घर में एक टाइप का CCTV है आपके घर का, ठीक है आप जो मर्जी कर रहे हो सब वो व्लॉग में डाला जा रहा है।
भाई देख राजा भाई, एक चीज कहूंगा, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, थोड़ा प्राइवेसी रख। देखो एक बात तो साफ है, राजा भाई को प्राइवेसी की कोई कदर नहीं है, हगते मुते कैसे भी रील डाल देना है, तो इनको ऐसे ही हो चुके हैं। भाई अलविश भाई के भी घर गए थे तो ऐसे ही वीडियो डाल दिया था कि हम यहाँ पे सीधा, कोई मतलब सिक्योरिटी एड्रेस वेड्रेस कुछ नहीं, सीधा सामने सामने वीडियो डाल दिया और कह रहे बैड बिहेवियर। देखो ऐसा है, अपना प्राइवेसी जरूरत नहीं लगता तो दूसरे का प्राइवेसी का तो कम से कम ध्यान रखो राजा भाई, ठीक है। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। रियल लाइफ और रियल लाइफ अंतर होनी चाहिए थोड़ी सी मेरे हिसाब से। और मैं चलता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी वीडियो मैं नहीं झेल पाऊँगा भाई, कसम से। ये जैसे कंटेंट बनाता है ना, ही डांसिंग वाला, हंसते रहो भाई, मेरे को कद्दू हंसी नहीं आती, ठीक है। तो मैं फिर चलता हूँ, ठीक है। गाइस वीडियो पसंद आए तो जो मर्जी करना कर देना, बाय।